नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और हमारा खास कार्यक्रम पंचायत सरकार, जहां पंचायत सरकार की बात करें, जिला परिषद की बात करें या ब्लॉक समिति की बात करें, तमाम वार्डों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में वार्ड 5 में हम पहुंचे हैं, जहां वार्ड 5 से जिला परिषद की जो प्रत्याशी है मीना रानी, वो आज गांव नौलथा में पहुंची है। डोर टू डोर वो कर रही है और एक प्रचार, देखिए पतंग का जो चुनाव निशान है वो उनका है और गांव नौलथा में वो पहुंची है। भारी जनसमर्थन उनको मिलता नजर आ रहा है। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वायदे लेकर वो वोटर्स के बीच में जा रही है और किस तरह की जो समस्याएँ हैं उनको अपने वार्ड में देखने को मिल रही है। सबसे पहले नमस्कार जी, और दिल की गहराई से आपका स्वागत करती हूँ जी। चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। मीना जी, आप वार्ड वार्ड जा रहे हैं, आज गांव नौलथा में पहुँचे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, नौलथा में कितना आपको जनसमर्थन? नौलथा गांव से देखो, मुझे वैसे तो वार्ड नंबर 5 से सभी गांव से डोर टू डोर जैसे मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट मिल रहा है। सभी गाँव से जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सभी का मुझे बहुत अच्छे से सहयोग मिल रहा है। वार्ड में जा रही हो आप, किस तरह की कोई समस्या भी जो वोटर्स है वो आपको बता रहे हैं कि किस तरह का बदलाव वो चाहते हैं, क्या कुछ समस्या है उनकी है? जैसे डोर टू डोर जा रही हूँ और मतलब हर गांव में फेस भी कर रही हूँ सभी समस्याएं, और गांव वाले मुझे बता भी रहे हैं जो गाँव की समस्याएं हैं। और आज देखो मतलब जैसे कि टेक्निकल युग में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो मेरे सामने आ रही हैं, और सभी समस्याओं का मैं समाधान बिल्कुल दिल से करना चाहती हूं। जैसे सभी गांव में सभी 36 बिरादरी का मुझे सहयोग मिल रहा है, और उसी सहयोग के साथ मैं हर समस्याओं का समाधान करना चाहती हूं। आज मतलब देखो गांव में सबसे मेन समस्याएं हो रही हैं गलियों की, पानी की, बिजली की, और सभी गाँववासी जैसे मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं, उसी उनके साथ बिल्कुल मिलके इन समस्याओं का समाधान बिल्कुल तय दिल से करना चाहती हूँ। मीना जी, जनता आपको अवसर देती है क्योंकि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए किस तरह की सुविधाएं आपकी तरफ से? महिलाओं की देखो आज के टाइम में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित की जा रही हैं, महिलाएं अशिक्षित होती जा रही हैं। मैं चाहती हूँ, मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है जैसे कि ट्रांसपोर्ट की समस्या महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। मैं चाहती हूँ कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मैं जरूर करूँगी, और हर गाँव में 5 बार जैसे 9 गांव आते हैं, 9 के 9 गांव में मैं महिलाओं के लिए स्पेशल चाहती हूं कि एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी जरूर करूंगी। क्योंकि देखो ओनली गर्ल्स के लिए, हाँ जी ओनली गर्ल्स, महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, इस चीज की मैं सबसे पहले फैसिलिटी जरूर करूंगी। मीना जी, आप एडवोकेट भी हैं? हाँ जी, मैं मीना कश्यप एडवोकेट, वाइफ ऑफ बिजेंद्र कश्यप, डॉटर ऑफ श्री धन सिंह गाउंडार। अपराध को लेकर भी किसी प्रकार की आपकी तरफ से आपको अवसर दिया जाता है तो अपराध को रोकना है को लेकर, क्योंकि गांव में भी जिस तरह की आपराधिक घटनाएं या चोरी जिस तरह? हाँ जी, आज देखो अपराध डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और देखो गांव की सबसे बड़ी समस्या है सीसीटीवी कैमरे। गांव में बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे हादसे होते हैं, वो मतलब मेन पॉइंट होता है कि सीसीटीवी कैमरे की कमी बहुत ही है। और मैं ना सीसीटीवी कैमरा चाहती हूँ कि गांव के हर मोड़ पे होने चाहिए, क्योंकि देखो गांव में बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं और ग्रामवासी ऐसे ढूंढते फिरते हैं कि ये किसने किया, बट अगर हमारे गांव में हर मोड़ पर सीसीटीवी कैमरे की सुविधा हो, फैसिलिटी हो, तो हमें इस चीज का बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और मैं वादा करती हूँ मैं बनने के बाद हर मोड़ पे गाँव में सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी भी करूंगी। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की भी? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी देखो गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी समाधान मैं बिल्कुल करूंगी। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, शिक्षा के मैटर पे और स्वास्थ्य के मैटर पे भी मेरा एक इम्पोर्टेंट डायरेक्शन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए वार्ड 5 से मीना रानी जो है जिला परिषद की प्रत्याशी है और आज गांव नौलथा में पहुंची है, जनसमर्थन उनको मिल रहा है। सर,
हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप भी एडवोकेट हैं पेशे से, लगातार आप भी देखते होंगे आपराधिक घटनाएं भी हैं, और इसको लेकर जो शिक्षा की बात करें या शिक्षा के साथ साथ जिस प्रकार की और भी काफी समस्याएं हैं, निकासी की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या गाँव में जिस प्रकार आप जाते हैं, कई गाँव ऐसे भी होंगे जहाँ आपको खेल का अभाव या खेल के ग्राउंड की समस्या भी सामने आती होगी। हाँ जी सर, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार और आपके दर्शक चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के। और वार्ड नंबर 5 से है ना हमारे, हम है कैंडिडेट मिसिज है, ये एडवोकेट धार से है और हमारा पतंग का निशान है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ कि है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट का हमें मिले, और सबसे दूसरी बात ये है कि हमें है ना दूसरा नंबर पे हम ये जो हमारे मेन एम्स हैं, उद्देश्य हैं, एक है ना हमारी इच्छा है कि अपने वार्ड में हर गाँव में एक है ना लड़कियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी हो, ताकि उनको आसानी हो, हर तरह की बुक उसमें अवेलेबल हो, नेट की हो, वाईफाई फ्री हो। सेकंड ये है कि जी गांव में साफ सफाई हो, हर गांव में जहाँ पे एक कर्मचारी है गांव में वहाँ पे दो किए जाएं, जहाँ पे दो है वहाँ पे चार किए जाएं, क्योंकि एक कर्मचारी दूसरे पूरे गाँव में कवर नहीं कर पाता, उनको साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। नंबर 3, एक गाँव में उप स्वास्थ्य है, उनकी हालत को सुधारेंगे और उसमें अच्छी किस्म की दवाइयाँ और बढ़िया डॉक्टर उसमें उपलब्ध करवाने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारी गाँव वालों से सहयोग रहेगा और गाँव में जो भी हम काम करेंगे उनकी सलाह से, ये मेरे नोलथा गांव का पूरा समर्थन है हमें, इनके सलाह से जो भी काम करेंगे हम, इनके जो ये हमें रास्ता दिखाएंगे उसी रास्ते पे हम चलेंगे, इनका आशीर्वाद लेके हमारा यही मेन उद्देश्य है जी। तो देखिए सर, क्या नाम है जी? हुक्मी। अच्छा, किस तरह देखते हैं आप, किस कैसा उम्मीदवाद चाहते हैं इस बार? आप वादा तो बढ़िया है, बहुत सुलित है, ठीक ठीक है सारा काम, और बाकी दो काम करवाना है गांव ने, मेहनत हम विषय होगी हम पूरी पूरी करेंगे जी। है? पूरा समर्थन दे रहे हैं जी। और दो काम करवाना उनसे मिलकर कहें भाई कुछ काम की कमी है हमारे गाँव में। अब बुजुर्गों पेंशन की दिक्कत है या और भी कई दिक्कतें आपको भी आती होगी? ना ना कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं आजाद सिंह नंदाणो गांव डारस, 36 बरादरी का साथ है, कल हमने 48 एक तरफी समर्थन मिला, फिर हमारे नंदल जाटल में गए, कदान है उसमें कुछ और है, एक तरफ से हमने समर्थन मिला। पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित लड़की है, हर आदमी चाहता भाई पढ़ी लिखी है, वकील है, अपने को एक खैच लाओ। तो ये प्रार्थना, 36 ये बैठे हैं, ये सारे प्रधान हैं, राजू प्रधान है और ये एक्स सरपंच हैं, ये पंडित जी, हाँ ये पंडित जी बैठे हैं, मतलब 20 आदमी, 36 बरादरी के आदमी है और धड़कों में भी। हाँ आज हमारा प्रोग्राम रहेगा। मैं गांव डार से धन सिंह कश्यप, मीना देवी बेटी है मेरी। देखो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि जैसे गांव की समस्याएं हैं, खेल का मैदान है, बच्चों की, स्कूल की, और देखो जैसे जैसे मेरे आगे सामने समस्या आएगी, मैं अपनी बेटों को साथ में लेके पूरे गांव का मसला हल कराऊंगा। जो भी ग्रांट आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेके पूरे गांव में जहां जहां लोग मेरे को समस्या बताएंगे मैं उसका सुधार करूंगा। धन्यवाद। मीना देवी एडवोकेट भी है और ये महिला भी हैं, महिलाओं के लिए करिए, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगी जो दिक्कतें महिलाओं को आ रही हैं, और भी कई समस्याएं हैं, बिजली की, पानी की, खेल की, उनको सभी को ये पूरा करने का वायदा कर रही है। हाँ जी, मीना देवी की तरफ से देखो मैं ये अपना वादा करता हूँ, जो किसी गाँव में बिजली या बेटियों के साथ अत्याचार या मतलब नजायज मतलब कोई भी काम होगा, मैं अपने तन मन से जान की बाजी लगा दूंगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए जी। जी जी बोलिए। ठीक है जी, मेरा गांव डार है जी, ऋषि राम सुनोब श्री प्रभुराम जी, ये बेटी हमारी पढ़ी लिखी बेटी है जी, और इसका समर्थन करके हम ये चाहते हैं कि ये सबका सुधार कर सकती है और दिल जान से कर सकती है। पहले भी भरोसा है लड़की पे, अब भी भरोसा है, इसीलिए हम इसको उठाना चाहते हैं। और जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम गुरदीप सिंह है जी, मैं डार से हूँ और ये हमारी बेटी है। हमने डार निवासियों ने इसको पूरा समर्थन दिया, क्योंकि ये एक एडवोकेट है, पढ़ी लिखी बेटी है और हर तरह की मतलब समस्याएं जानती है और समझती भी है और समझेगी,
अभी तो ये नई नई है, लेकिन जब ये आश्वासन दे रही है हमें कि भी जैसे जैसे तुम्हारी समस्या हमारे पास लेके आओगे, मैं उनका समाधान आपके बीच में बैठकर ही करूंगी। युवा भी हैं, शिक्षित भी, अभी इस तरह के जो उम्मीदवार हैं उनकी जरूरत है। युवा और जो शिक्षित उम्मीदवार हैं, हमें सभी की जरूरत है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है अगर कि युवा और शिक्षित कैंडिडेट का साथ दें। आज देखिए साथियों, आज वार्ड नंबर 5 की नौलथा में मीना जो कश्यप है वो कैंडिडेट है साथियों, और मैं चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ और भी कैंडिडेट यहाँ खड़े होंगे। जनता ने फैसला करना आने वाली 30 तारीख को। ये पेशे से वकील है, कानून की ज्ञाता है, और जो गांव की समस्या है इसको पूरा ज्ञान है, देहात की रहने वाली है, कोई बाहर की नहीं है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी कैंडिडेट है उनका आकलन कर ले, वकील है, कानून से है, हर समस्या का समाधान जानती है, महिला है, महिला के बारे में जो महिला को उत्पीड़न है या जो भी गलत है उसको पूरा ठीक करने में नालियां हैं, गलियां हैं, पानी है, जो विकास के कार्य हैं उस पर यह खरा उतरेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैं लक्ष्मीचंद कश्यप हूँ, मैं समाज से हूँ, हम लोग सभी इसका तन मन धन से इसका साथ है और सारे गांववासी इसके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो गांव डाहर से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां वार्ड 5 से जिला परिषद प्रत्याशी मीना देवी आज गांव नौलथा में पहुंची है और नौलथा में उनका जो स्वागत है वो किया जा रहा है, समर्थन उनको मिलता नजर आ रहा है। तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करो, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दे कि आप लोग किस तरह का प्रत्याशी अपने वार्ड में अपने क्षेत्र में चाहते हैं, क्योंकि मीना देवी महिला है और शिक्षित के साथ साथ एडवोकेट भी हैं, वायदे कर रही हैं कि तमाम जो समस्याएं उनके सामने आएंगी अपने वार्ड को लेकर उन सभी समस्याओं का समाधान करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। तमाम लोगों से अपील, वीडियो को देखें भी और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।